बीते करीब 16 घंटे से अधिक से दरभंगा में इस मॉनसून की झमाझम बरसात जारी है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाख दावों और वादों के बाद भी शहर की स्थिति वही है जो वर्षों से है। सड़कों पर पानी भर गया है और चारों ओर झील जैसा नजारा पसरा है। ये तस्वीर शहर के उर्दू मोहल्ले की है जहां घुटने भर से अधिक पानी जमा है जिस कारण इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियां बंद हो जा रही है। उससे आगे बढ़िए तो मिलान चौक, लाल बाग और खुद दरभंगा नगर निगम पानी में डूब चुका है। कई जगह तो दुकानों के अंदर भी पानी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ चुकी है। अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ है तो हालत यह है, फिर अभी तो सिलसिला महीनों तक चलेगा। ऐसे में क्या स्थिति होगी इसको लेकर लोगों में भय का माहौल बन गया है। मेडी वर्ल्ड अत्याधुनिक सुविधा से लैस विश्वसनीय ट्रॉमा सेंटर जाहिठाम आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी संग संग उत्कृष्ट लैबक व्यवस्था है। अनुभवी डॉक्टरक पैनल और 2400 घंटा महिला डॉक्टरक उपलब्धताक बीच समस्त गंभीर बीमारी इलाज कयल जायत अछि। जी ये यहाँ पे जल जमाव है जी। ये जगह का क्या नाम हुआ? ये उर्दू बाजार है, वार्ड नंबर 29 है। ये पानी कब से जमा होता है? पानी तो सालों से लग रहा है और यहाँ का हमेशा यही स्थिति है कि हमेशा जल जमाव लगा रहता है और नाला वगैरह का स्थिति है कि हमेशा भरा रहता है। साफ सफाई भी कभी दोपहर में होगा कभी नहीं होगा, कूड़ा अक्सर लगा रहता है। हम लोगों को नगर निगम वाला भेजता है रसीद काटने के लिए, तो कूड़ा का भी अभी हम तत्काल रसीद जो कटवाए हैं एक साल का, उसमें 1100 रुपये का जो है आपको कूड़ा का काटा है। अब बोला है कि अगर कूड़ा का नहीं कटवाइएगा तो रसीद नहीं कटेगा। अब व्यवस्था वगैरह कुछ सही नहीं रहता है, अक्सर पानी लगा रहता है। पानी यहाँ ये उर्दू बाजार में पानी हमेशा लगा रहता है। इसमें नाली का जो है सफाई करने की बात हुई थी, बड़े नाली की, क्या सफाई फाई हुआ था? ये सफाई फाई नहीं हुआ है, भाई हल्का फुल्का आता है निकाल लेता है। और ये ठेकेदारी जिनको मिला है नाला का, वो बोलते हैं कि अभी बकरीद आ गया, अब अगले साल अगले बार बकरीद बाद हम नाला में हाथ लगाएंगे। वो सालों से सुन रहे हैं कि नाला में हाथ लग रहा है लेकिन लग नहीं रहा, पानी का हमेशा यहाँ कष्ट है। ये शिकायत बार बार नगर निगम को किया कि आप लोगों के द्वारा नगर निगम को कंप्लेंट हुआ था? नगर निगम को कंप्लेंट तो किया ही गया है लेकिन वो अभी कोई तरह का आश्वासन नहीं दिया है, ना कोई काम हम किया है। अब पैसा काट रहा है, रसीद जो काट रहा है, मतलब एक साल का जो रसीद काटता है हम लोग का मकान का टैक्स, ये कर्सी मंजिल में हमारा मकान हुआ, इसका जो टैक्स काटा है, तो हमको बोला है कि 1100 रुपया आपको कूड़ा का देना ही होगा, नहीं दीजिएगा तो रसीद नहीं कटेगा। तो अभी हम करंट दिए हैं पैसा, 10,000 का चेक दिए हैं जिसमें 1100 रुपया कूड़ा का काटा है। अब कोई व्यवस्था रहता नहीं है, कूड़ा कभी कभी सफाई तो होता है लेकिन कभी कभी 12 बजे तक कूड़ा छोड़ देता है। क्या ये पानी में आपकी गाड़ी बंद हो गई? हाँ, गाड़ी बंद हो गया है पानी में। जी जी, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग यही दरभंगा टावर से आ रहे हैं। ये उर्दू बाजार में पानी, उर्दू बाजार वाला पानी जहाँ पे ये जल जमा हुआ, ये मोहल्ला क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा बारिश होता है पानी पूरा लग जाता है, नाला पूरा जाम है। अभी तो नया नाला सबका निर्माण जा रहा है, बना है, थोड़ा दूर बना है, नीचे तक बना है, उससे आगे बना नहीं है। और ये नाली की सफाई भी तो हो रही है ना? अभी गैंग जो है नाली सबका सफाई नहीं कर रहा है क्या? मतलब देखिए, सारा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, सारा कचरा पड़ा हुआ है, आता है नगर निर्माण वाला, पानी जो साफ हल्का फल्का किया उसके बाद ले गया थोड़ा बहुत, बाकी ऐसा ही रोड से पड़ा रहता है। रोड जो है हमेशा डूबला ही रहता है, चाहते सुन जो कभी उबेर रहता है, रोड में जब तड़का थोड़ा सी बारिश होता है पूरा रोड डूब जाता है, रोड हमेशा डूब डूब। तो नगर निगम बोला कि हम गैंग को लगा करके बड़े नाला सब की सफाई करवा रहे हैं। नाला यहाँ है कहाँ? यहाँ तक जो ले देखिए, इधर नाला हाईवे नहीं है, उधर नाला बनवो किया है तो उधर वो पानी इधर पास करता है। ये रोड नीचा रोड है, पूरा पानी भरा ही रहता है, हमेशा ये समस्या बनी रहती है। लेकिन इसका रोड में सब देखिए पैदल चलने लायक नहीं है, नाला है ना, सारे सारे लोग चला जाता है नाला के सारे सारे, रोड में हमेशा ये रोड डूबले रहता है।